प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 68 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी पहली बार आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाएंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर पूरे शहर को सजाया गया है, साथ ही उस नरउर स्कूल की तस्वीर बदली गई है जहां प्रधानमंत्री बच्चों के बीच जाकर आज केक काटेंगे। तो तैयारी पूरी है, काशी तैयार है। जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी का आज बनारस में पहली बार प्रवेश होगा, इसलिए जन्मदिन के मौके को एक रंगीन उत्सव में बदलने के लिए बनारस बेकरार है। अपने जन्मदिन के मौके पर काशी को आज बहुत कुछ देने वाले हैं पीएम मोदी, लेकिन वो पल आज बहुत खास होने वाला है जब वो बच्चों के बीच होंगे, बच्चों से बातें करेंगे। बनारस का ये वही नरउर प्राथमिक स्कूल है जहां प्रधानमंत्री अपने 68वें सालगिरह के मौके पर बच्चों के साथ केक काटते नजर आए। स्कूल की दीवारों पर पेंटिंग की गई है, फर्श पर टाइल्स और किचन में ग्रेनाइट के पत्थर बिछाए गए हैं। स्कूल का ऐसा कायाकल्प किया गया है कि लगेगा ही नहीं कि ये कोई देश का प्राथमिक विद्यालय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 68वां जन्मदिन मनाने के लिए नरउर के इसी विद्यालय में आ रहे हैं। कहने के लिए प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन यहाँ पर 5 स्कूलों के लगभग 150 बच्चे मौजूद होंगे और इसी प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीच में कुर्सी लगेगी और चारों ओर बच्चे होंगे। स्कूल को फिलहाल चमकाने की पूरी कोशिश है, आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, खड़ंजा बिछा दिया गया है, नया रंग रोगन किया गया है और बच्चे स्वागत गीत की तैयारियां भी कर रहे हैं। बच्चों ने तय किया है कि पीएम का स्वागत वो किस तरह से करेंगे, क्या बताएंगे और क्या सुनाएंगे। सरप्राइज गिफ्ट भी तैयार है, लेकिन ना छात्र बताने को तैयार हैं ना यहाँ के शिक्षक। बच्चे तो खूब खुशी से बहुत अच्छा अच्छा कार्ड बना रहे हैं। एक बच्चे ने तो 68 कार्ड बनाया हुआ है कि प्रधानमंत्री के हर जन्मदिन के हिसाब से बहुत अच्छा कार्ड बनाया हुआ है। और बच्चे अपने मन से कुछ सस्पेंस में भी रखे हुए हैं कि मैं उसी समय दूंगा, तो कुछ बच्चे सस्पेंस में भी रखे हैं। प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद 4 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। 4:55 पर नरउर प्राथमिक स्कूल पहुंचेंगे। 200 बच्चों के बीच पीएम मोदी स्कूल में ही केक काटेंगे। 6 बजे कूड़े पर काम कर रहे बीएचयू के छात्रों से बातचीत करेंगे। कहा जा रहा है कि शहर में हो रहे विकास कार्यों का भी जायजा ले सकते हैं पीएम। पीएम मोदी काशी विश्वनाथ भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। आज और कल पीएम 2 दिन अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे और इस बार काशी के लिए दिल्ली से पीएम बहुत कुछ लेकर पहुंच रहे हैं, जिनमें बुनकरों के लिए भी बहुत कुछ होगा, कारोबारियों के लिए भी होगा और छात्रों के लिए भी। 18 सितंबर को पीएम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमपी थिएटर जाएंगे, जहां पर 500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बीएचयू में एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा। तो आज मोदी की शान में लगते नारों से बनारस गूंजने वाला है, क्योंकि पहली बार बनारस के लोगों ने जिन्हें सांसद चुना है, वो सांसद अपना जन्मदिन मनाने जनता के बीच पहुंच रहा है। जो शहर दुनिया की सबसे खूबसूरत साड़ियां तैयार करता है, वो शहर अपने सांसद के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है। पवन नारा, इंडिया टीवी, वाराणसी, यूपी। आज पीएम मोदी का 68वां जन्मदिन है। इस मौके पर गुजरात में सूरत की गणेश समिति ने उनका जन्मदिन अलग तरीके से मनाया। इस बार प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन गणेश उत्सव के मौके पर आया है। ऐसे में सूरत में उनके एक प्रशंसक ने गणेश जी को 11 किलो के 68 मोती चूर के लड्डू भोग के तौर पर चढ़ाए हैं। काजू की बर्फी पर मोदी के जन्मदिन का नंबर यानी 68 लिखा हुआ था। यही नहीं, वहां जो केक मंगवाए गए थे उन पर भी नमो नमो लिखा था। जैसे ही रात के 12 बजे केक काटे गए और वहां मौजूद सभी बच्चे और बड़े लोगों ने केक खाया, जिन 11 किलो के 68 लड्डुओं का गणेश जी को भोग लगाया गया था, उन्हें बाद में प्रसाद के तौर पर पंडाल में आने वाले लोगों और गरीब बच्चों के बीच बांटा गया।